और बट मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई पति नहीं। अरे मम्मी रो मत, मम्मी रो। हाँ ज्यादा अंगड़े मत लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गणपति पापा मोरिया। ओके, तो आज मैं लुक क्रिएट करने वाली लुट गए जो सॉन्ग है इमरान हाशमी का और जो जुबिन नौटियाल ने गाया है वो लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ और जो दुल्हन का आउटफिट जो जो फीमेल एक्ट्रेस है उसमें पहना है वो और लुक एक्चुअली मैं कल क्रिएट करने वाली हूँ तो आज मैं मेहंदी लगाऊंगी। तो अगर मैं लुक क्रिएट करूँ तो मैं पूरा अच्छे से जैसा प्रॉपर होता है वैसा करूंगी। तो चले तो द मेहंदी स्टार्टेड। तो फाइनली मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है, अगले 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको फाइनल लुक बताती हूँ। You could be mine before all that you put me through. Okay, so guys, finally, रात को मेहंदी लगाने के बाद मेरी मेहंदी रच गई, मेहंदी होती मेहंदी रच गई है और मैं नहा धो ली हूँ, मैं नाश्ता करके पूरा प्रेपरेशन करती हूँ। और मेहंदी के लिए मैंने एक चीज सुना था कि अगर आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है तो आपकी मेहंदी रच जाती है, खिल जाती है। बट मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई पति नहीं, तो फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे मेहंदी वाली ने बोला फिर हमारी मेहनत खा जाएगी अगर आप ये लॉजिक लगाओगे, बोलिए अगर कुछ नहीं होता, पता नहीं होता है कि नहीं आप बताओ। तो अभी मैं डांस सीखने जा रही हूँ, कोरियोग्राफर जो है वो आ गए हैं, उसके बाद मैं मेकअप करूंगी, उसके बाद मेकअप के बाद पूरा आउटफिट पहन के पिक्चर्स फोटोज रील्स वगैरह सब बनाऊंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। आप करोगे तो हो ही जाएगा, ट्राई करते हैं। तो आधे से ज्यादा डांस प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने पहली बार कंटेम्प्रेरी थोड़ा बहुत उसमें ट्राई किया है, बहुत ही डिफिकल्ट था पर मैंने कैसे कैसे तो भी कोशिश किया है, तो आप देखना और आप बताना मैंने कैसे किया। फाइनली 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 डांस हो गया। अच्छा एक चीज और, इस बार ना लैशेस का कोई परेशानी नहीं क्योंकि मैंने लैशेस करवाया ना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मुझे बता तू आज लेट क्यों आया? मैं लेट आया कि आप लेट आए? तू लेट आया। वो मैं आज मेरे घर में मेहमान आए थे ना, मैं दूध लेने चले गया था। और ये डिवाइडर बीच में है और वो हाईवे से जाने का, ये हाईवे से आने का। और बम्पर स्पीड ब्रेकर कुछ है? स्पीड ब्रेकर बनेगा ना अभी? बनेगा, ठीक है। यस फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है और मेकअप किसने किया हमेशा की तरह आपको पता है मैं आसिया से ही मेकअप कर सॉरी मैं आरुषि से मेकअप करवाती हूँ। ये देखिए तो गाइज ये सब चीज का प्रिपेरेशन किया है मेरी मम्मी ने, हर एक चीज का। और ये जो लटकन है आपने देखा होगा सॉन्ग में उन्होंने पहना है, तो ये रेड नहीं था, ये एक्चुअली येलो था। तो बोला मम्मी लेकिन येलो कहीं से भी मैच नहीं होगा, मैं क्या करूं? तो मम्मी ने बोला बेटा तू टेंशन मत ले मैं करूंगी। तो ये इसको मम्मी ने रेड नेल पेंट से पेंट करके इसको मम्मी ने रेड किया है। और वो सब तो ठीक है जो उन्होंने पहना है, शायद वो थोड़ा सा आई डोंट नो उनका वजन कैसा है लहंगे का, पर ये तो बहुत भारी है, मैं बता रही कैसे पहनूंगी, पर ये बहुत ज्यादा भारी है। अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत प्यारा, मैं आपको पहन के बताती हूँ। ओके तो गाइज ये है मेरा आउटफिट और ये बहुत भारी, ऐसा लग रहा है 10 किलो का है और सच में बहुत भारी है, पर आई होप बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं ज्वेलरी पहनती हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे बाल का कार्यक्रम चल रहा है, तो बाल का कार्यक्रम होने के बाद सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद
जादू किया। कहना चाहती हो? कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा फील आ रहा है। मेरी शादी नहीं है गाइस, ये सिर्फ एक आउटफिट है, पर मेरी आंखें अंदर से नम है कि जिस दिन मेरी शादी होगी तो शायद मुझे काफी रोना आएगा। तो मेरा फोटोशूट चालू हो चुका है और मैं कम से कम 4 से 5 पोजेस करूंगी। आपको तो पता ही है मैं पोजेस ऑब्वियसली वीडियो में से स्क्रीनशॉट करके लेती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, और इसके प्रॉपर रिजल्ट आपको इंस्टाग्राम पे दिखेंगे। तो अभी फाइनली यहाँ पे शूट फोटो चालू हो चुका है। मुझसे फोन करके बोला आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी और आने वाला है तो देना, तो ऐसा अगर आपको किसी को भी फोन आए तो देना नहीं। ठीक है, मैं दे दूंगा। नहीं देना है। नहीं दूंगा। मेरा पहला वाला पोज ऐसा है, ठीक है, ऐसा, बस ऐसा वाला है, ठीक है। एक पहला पोज ऐसा है, दूसरा पोज तो एक बैठ के ऐसा वाला, वो अपसेट है। तीसरा पोज में ऐसा वाला है, ऐसा वाला वो स्टेप है ना, तो बस सलूट वाला एक अंगड़ाई वाला, बस हो गया मेरा पोज। तो ये फर्स्ट पोज है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है कि एक लाइट से हो नहीं पा रहा है, तो हम एक और लाइट लगा रहे हैं। कितना लाइट लोगे आप? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 ले लूं। तो गाइस आपका हमारा व्लॉग आया बहुत एंटरटेनिंग लगता होगा, हम काफी मेहनत करते हैं आपको हंसाने की, तो आप भी इतना ही प्यार देते हो, थैंक यू सो मच। वाओ, 2 लाइट लगने के बाद तुम तो और सुंदर लग रही हो। ये है सेकंड पोज जो क्लैप करते रहती हूँ। ये तू ट्राई करना, हल्के से थोड़े से, वो तो मैं ट्राई करूंगी, और उनके ट्राई करने के बाद मैं ट्राई करूंगा। और फिर मैं आरुष से तो मैं तैयार करूंगी, प्लीज। चलो फिर ट्राई करते हैं। आरुष इमेजिन करो ना कैसे लगेगा ये आउटफिट में, आरुष बहुत सुंदर लगेगा। मैं एडिट करके, अच्छा लगेगा, खूबसूरत। एक काम करे, आरुष को ना हील्स पहना के वॉक कराएंगे। और तुमको क्या पहनाएंगे पता, घाघरा ना चोली, फोन आया था इमरान हाशमी का, बोले मैं कार लेके आ रहा हूँ, रेडी रखना मेरा, ठीक है, दुल्हन को रेडी रखा हूँ। मैं अपनी शादी से भाग जाओ, भाग जाओ, मैं सल्यूट ही हाथ से मार देती। मैच नहीं होगा, क्या दीदी ऐसे बोल रही, कैसे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो, तू ऐसे खड़े है जैसे मेरे पीछे वो। अच्छे लोकेशन पे जाएंगे। सो गाइस आप बताओ नेक्स्ट लुक कौन सा हो, और वही लुक करेंगे हम लोग जो सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ। तो तुम जटालाल का लुक करो। तो इतनी देर हमने इतनी मेहनत की, आपने देख ही लिया होगा हम कैसे कैसे क्या क्या मेहनत करते हैं। तो गाइस अभी ड्रोन शॉट ले रहे हैं हम लोग, जमीन पे खड़े हैं। और कितने पोजेस बाकी है? हाय, एक देना। अच्छा, तो फोटोशूट हो गया है जैसा मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ी सी रील्स बनाने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी क्यों बनाऊंगी, थोड़ा ज्यादा बनाओ ना। हाँ, 4 रील्स बनाऊंगी। कुछ ऐसा ही नहीं था, यही था। दीदी आप शर्माओ मत, अच्छा कर रहे हो आप। तो गाइस अभी इधर है कि अभी यहाँ पे हम 2-3 डायलॉग वीडियोस बनाएंगे, और फिर नीचे आके डांस का वीडियो बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि घर पे इतना स्पेस नहीं है, अभी बन नहीं बन पा रहा है। तो हमने 2 रील्स बनाई है यहाँ, बहुत ही प्यारी प्यारी, बहुत ही इमोशनल, और अब जो एक्चुअली गाने की रील है वो हम बनाने जा रहे हैं। एक में तो मुझे खुद को भी रोना आ गया इसको बनाते हुए, मैंने फुटेज डालूंगा देखना, इतना इमोशंस था, ऑब्वियसली आपने देख ही लिया होगा। चलो नीचे चलते हैं। तो गाइस अभी ये वो सीन है जो लड़की भाग के आती है, लड़की का नाम क्या, युक्ति, युक्ति जो भाग के आती है इमरान हाशमी के पास, तो वो सीन है अभी हम लोग देखते भाग के, पता नहीं किसके पास, कैमरा के पास। हम लोग लाइट देख रहे कहाँ से लिए, आपको क्या लगा कुत्ते को इंग्लिश नहीं आती, आती है उसको भी, क्या बोलता है राजेश, काट क्या रहे भी?
तो बट कैमरा चालू नहीं था। जाओ जाओ जल्दी, मिल गया मिल गया। अरे बस हो गया, चलो हो जाएगा। तो मुस्कान जी की मम्मी बोल रही हैं कि मुस्कान जी सुंदर लग रही हैं, जेठालाल का साला। इमोशनल हो गई है बहुत। आंटी आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? होता है हर मम्मी का थोड़ा थोड़ा। क्या मेरी शक्ल देख लो, ठीक है? और रोएंगे फिर तो, मेरा देखिए तो हैप्पी हो जाएंगे। देखना देखना देख लेना, देखना मेरे को। सब लोग उधर ही हैं क्या? हाँ मम्मी, बोलो मम्मी को ले आना। मम्मी रो रही है। हाँ मम्मी सच में रो रही। मम्मी आंटी मम्मी रो मत, क्यों रो रही? अभी वो दुल्हन बनी नहीं है, सिर्फ वो एक्टिंग कर रही है दुल्हन बनने की। कितने बजे शूट चालू है? अराउंड में उठी तो 9:30 बजे सुबह। और अभी टाइम कितना रहा ना? 9:30 हो रहा है। यस, 12 घंटा भी इतना हार्ड वर्क कौन करता है? कौन करता है इतना हार्ड वर्क? चलो स्टार्ट। सुबह से मम्मी से मिले नहीं, मम्मी को देखा नहीं, और अभी भी हम मेहनत कर रहे हैं। और कमल जी और इब्राहिम बहुत 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 ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे, तो उनके साथ काम करने और मज़ा आ रहा है। और मम्मी की याद आ रही थी, तो आरुष अभी मिसिंग है क्योंकि वो मम्मी को लेने गया है। तो मम्मी आएगी तो और एनर्जी आ जाएगा। हमें भले ही 12 घंटा हो गया है काम करके, पर कोई बात नहीं। तो देख रही हो? चलो तो अभी मैं दूसरा डांस करने वाली हूँ, उसके लिए थैंक गॉड मम्मी आ गई, नहीं तो मम्मी नहीं आती तो वो हो ही नहीं पाता। प्रॉपर पिन लगाना था, सिमरन को बोला लगाना, उसने ऐसे लगाया था कि पूरा ही निकल रहा था, तो इसलिए मम्मी को ही बोलना पड़ा। डायरेक्ट किससे बात कर रहे हो? देख रहे हो पता है सुबह 10 बजे से पहनी हुई, 10 बजे से कितना भारी है पता है? कम से कम समझ लो 10-12 किलो से ऊपर का है ये लहंगा, बहुत भारी है। ओके फाइनली मेरी रील्स बन चुकी है। फाइनली हमारा व्लॉग खत्म हो चुका है, और बहुत ज़्यादा थक गए, रात के 12 बज गए। ख़त्म करते करते अब मैं पूरा चेंज कर लूँगी आराम से, और आई होप आपको पसंद आया हो। कैसी लग रही है आपकी बेटी? मम्मी तो बहुत इमोशनल हो गई थी, मैंने आपको दिखाया ही था, फिर मम्मी आ ही गई यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी नहीं जा रही कहीं, अभी हमारे सर पे ही है। कैसा बोल रही है मम्मी? इसको भेजो, ये बड़ी है, इसको जल्दी भेजो। मम्मी आप मेरे को भेजोगी? चलो मम्मी कंफ्यूज किसके साइड रहूं? दोनों की साइड हूं मैं। फाइनली मुझे इतना हल्का लग रहा है, इतना सुबह से भारी भारी पूरे 12-13-14 घंटे इतना भारी आउटफिट लेके अभी नहा धो के एकदम रिलैक्स लग रहा है। और मेरे लैशेज ऐसे इसलिए हो रहे क्योंकि इन पे पानी लगा हुआ है, मुझे इस प्यूली से उसको ठीक करना है। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट करना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।